शादी कौन करेगा, कौन माँ बाप की सेवा करेगा, कौन पढ़ेगा, तो सबका अपना अपना काम है। क्यों किसी की होड़ करते हो? कोई फॉर्च्यूनर घूम रहा है घूमने दो, क्या पता फाइनेंस वाले वापिस ले जाए, कहाँ से लाया, उधार लाया, कोई चोरी चकारी करके लाया होगा, तो उसमें मत रखो, तो फॉर्च्यूनर ले मत अपने। तो अगर बाइक से काम चल तो उससे चला लो। मेरे पास 2015 मॉडल गाड़ी है, बताओ। सारे नेता बड़ी बड़ी तीन तीन चार चार करोड़ की गाड़ियाँ, बड़े बंगले, फार्म हाउस, मंत्री या तो उधर चला जाता है, इधर आपकी सेवा में लग गया। मुझे आवश्यकता नहीं पड़ती है, कामरा की गाड़ियाँ बैठ के वहाँ घूमना। जितने हमारे भरतपुर, अलवर, जयपुर के इलाके के अंदर लोग पढ़ लिख रहे हैं, हम कम पढ़ लिख रहे हैं। मारवाड़, जयपुर या आपका नागौर, जोधपुर, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे नेताओं ने धोखा दिया। और हमारे यहाँ पे सबसे बड़े नेता हमारे समाज के थे, किसानों में, उन्होंने जब अपनी कौम को धोखा दिया। आप तो हमारे पीछे थे, नाइक मेघवाल तो हमें ही मानते थे, तो मैं मारला ही कौन पड़ा, तो थे मांगेलाल रेगर, वो खंडा में पड़ गया, मारला थे पड़ गया, यही कारण था। बाकी पढ़ाई के अंदर आप लोग बहुत आगे आ जाते। अब मैं आपको आह्वान करता हूँ कि आपको पढ़ाई लिखाई करानी है, ये तय करना है कि हमें बच्चों को पढ़ाना लिखाना, नौकरी मिले या नहीं मिले। अगर हमारा बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो हर चीज समझेगा, अगर पढ़ा लिखा नहीं होगा तो क्या होगा बताओ मुझे। पढ़ाई लिखाई कर सरकार सुविधाएं दे रही है, फ्री शिक्षा भी दे रही है। दुर्भाग्य से जो सरकारी स्कूल है उनके अंदर टीचर नहीं लेते। मैंने लोकसभा के अंदर मामला उठाया, मैंने कहा MP का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़े, कलेक्टर का बेटा भी सरकारी स्कूल में पढ़े, तो अपने आप सरकारी स्कूल के अंदर अच्छे अध्यापक लगेंगे। ये उठाया मैंने पढ़ लिया। और तमाम वो मुद्दे जो मेरे साहब उम्मीद करते हो, मैं वैसा लड़ता हूँ, संघर्ष करता हूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भील समाज, नाइक समाज और मेघवाल समाज, तमाम समाजों को जो ज्ञापन मुझे अभी प्राप्त हो, अलग अलग जो एक एक व्यक्ति ने मुझे दिया, कुछ मुकदमों के मामले, कुछ अन्याय अत्याचार के, मैं आपको टेलीफोन भी वापिस करूंगा। ये मैं सारे लेके जा रहा हूँ, पृथ्वी को सारे कागज लेके एक एक बात कराएगा मेरे से ना। एक बार यहाँ सब सुनो, एक एक करके यहाँ बोलने से कोई मतलब नहीं। आपने मुझे सारे दे दिए भरोसा करके, मैं आप सबसे बात भी करूँगा। गढ़े लोहार समाज का भी मिला दे, बहुत समर्थन करते हैं मुझे, खींच शर्मा आप चिंता नहीं करें। आपने तो ये प्रण लिया था महाराणा प्रताप के वंशज हो और बहुत मजबूत हो, अभी भी उस प्रण को निभा रहे हो कितने साल बाद भी। तो आपको सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, आप बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। एक संदेश और दूंगा, उसमें तुम बुरा मत मानना, नशा नहीं करना हमारे। एक जगह मैं भाषण दे रहा था तो उसमें नशा करने वाले ज्यादा थे, कि मैं तो थाने बोर्ड देवा और मैं तो आधा हूँ ज्यादा नशो करा। मैं कहता यार मत दीजिए, छोड़ो मैं और तो आई हुई इलाज करो, हमारे भाई तो आ थोड़े क्या नशो करो, तो मैं ही नहीं करता, खुद चाय पीता हूँ। अच्छा बताओ मुझे तो 25 साल से देख रहे हो तुम, रात को 3 बजे सोना, कब उठना, कब खाना खाया, तब पता नहीं, भगवान के भरोसे ही चल रहा हूँ, ईश्वर के भरोसे सब कुछ चल रहा है। नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना हमारे इन इलाकों के अंदर, इसमें MD चरस ये जो मामले, इनसे हमारी जो नई पीढ़ी है वो खत्म होने के कगार पे। कौन देश की रखवाली करेगा, कौन सेना में जाएगा भाई बताओ मुझे, यही खत्म हो जाएगा नशा करके। और एक भाई है, उसके 4 बहन है, और भाई नशा करने लगे, उन बहनों की शादी कौन करेगा, कौन माँ बाप की सेवा करेगा, कौन पढ़ेगा, तो सबका अपना अपना काम है। क्यों किसी की होड़ करते हो? कोई फॉर्च्यूनर घूम रहा है घूमने दो, क्या पता फाइनेंस वाले वापिस ले जाए, कहाँ से लाया, उधार लाया, कोई चोरी चकारी करके लाया होगा, तो उसमें मत रखो, तो फॉर्च्यूनर ले मत अपने। तो अगर बाइक से काम चल तो उससे चला लो। मेरे पास 2015 मॉडल गाड़ी है, बताओ। सारे नेता बड़ी बड़ी तीन तीन चार चार करोड़ की गाड़ियां, बड़े बंगले, फार्म हाउस, मंत्री या तो उधर चला जाता है, इधर आपकी सेवा में लग गया। मुझे आवश्यकता नहीं पड़ती है, कामरा की गाड़ियां बैठ गए और घूमला बीच में आ जाते हैं आपके। देखो होड़ वही करो जो अपनी उसमें हो, पढ़ो, आगे बढ़ो, लक्ष्य अपना होना चाहिए कि हमें वो लक्ष्य प्राप्त करना, किसी की होड़ नहीं करनी। बच्चे आजकल बेरोजगारी के अभाव के अंदर, तस्करी के अंदर जिस तरह लिप्त हो रहे हैं, जेलों के अंदर। एक बार मैं एक जेल, जयपुर जेल के अंदर में गया था देखने के लिए, आधे से ज्यादा हमारे लोग बैठे, संख्या हमारी ज्यादा है। दुर्भाग्य से छोटे मोटे लड़ाई झगड़े, नशा बर्बाद हो रहे हैं। परिवार पैसिव आता है, मिलने के लिए आता है। आप देखिए जिसके घर से जेल में कमाने वाला व्यक्ति चला जाता है, उस परिवार की क्या स्थिति होगी। तो हमें इन चीजों पर चिंतन करना है, मनन करना है। और एक चीज का तो तय कर लो, नशा नहीं करना। तो नशा नहीं करोगे दादा काम, मेरे हिसाब से आजकल तो
मोबाइल का भी बहुत नशा हो गया, कई एक नया गेम चल गया मोबाइल पे, पैसे वाले बनने के चक्कर में छोरे नाप शनाप कर रहे हैं, गेम है तो ये नहीं करना भाई। फिर पुलिस पकड़ के ले जाती है, फिर घर वाले बेचारे परेशान होते हैं। पहले तो घर वाले कहते ने कि कहीं काम करा छोरो बहुत बढ़िया काम करे बहुत अच्छा कमावे कटो है, मैंने बढ़िया गाड़ी खरीदी आ रही। अरे वो तो ऑनलाइन गेम और जुआ सट्टे का काम करा भाई, मारे जाओगे कि मोबाइल तो किस किस से बात कर रहा है, ये ड्यूटी माँ बाप की है। अगर ये सारी काम अपन कर लेंगे तो निश्चित रूप ठीक होगा। मैं तो अपनी बार लोकसभा में एक मामला जरूर उठाऊंगा कि बेटे बेटियों को ये अधिकार तो है कि व्यस्त होने पे शादी अपनी मन मर्जी से करे, लेकिन कई जगह मैं देखता हूँ कि बेटियां कोर्ट में ये कहती है कि ये किसके माँ बाप है, मैं तो इसको पहचानती नहीं। तो गलत बात है, पैदा करके 20 साल तक पालो और ये अधिकार नहीं है भाई, गोद में ही शादी कर लेते हैं।